हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? शादी के कुछ दिन तो मैं ठीक से वीडियो बना भी नहीं पाया, इतना काम में बिजी हो गया था शादी का काम में। तो अभी इसलिए वीडियो अपलोड भी लेट से हो रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है। तो उसे शादी की वजह से फिर थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, ठंड लग गया था तो सर्दी भी हो रहा है और इधर खांसी भी हो रहा है। तो अभी दोपहर का टाइम है तो सबको गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं लंच भी कर लिया हूँ दोपहर का। बात करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, किसी खांसी भी हो रहा है ना एकदम बीच बीच में, तो इसलिए तो मुझे आज जाना है एक जगह थोड़ा टाइम बाद। थोड़ा टाइम पहले बाज़ार भी जा कर आया तो वीडियो ही नहीं बना पाया, क्योंकि बाइक चला रहा था इसलिए। तो अभी फिर से जाना पड़ेगा मुझे मेरा बुआ के साथ बाजार के साइड ही, पहले भी गया था अभी भी जाना पड़ रहा है उसके साथ, पता नहीं क्या करेगा। तो इसीलिए अभी बहन के लिए उसकी चॉकलेट वगैरह ले रहे हैं बहन के लिए इतना सारा। कॉस्मेटिक्स भी है बहुत सारा। आगे सिग्नेचर लगा नहीं हाय दोस्तों, तो मैं बाजार से आ गया बहुत, अभी थोड़ा टाइम पहले ही आया। बुआ जी एकदम बाज़ार में क्या गया सामान खरीदा, बाप रे बाप, पूरा ही दिमाग ख़राब। तो अभी देख रहे शाम होने ही वाला है, सूरज भी ढल गया है, सूरज दिखता है इधर पीछे की तरफ उधर। तो अभी हम खेत की तरफ जा रहे हैं, गांव का माहौल है भाई, गांव में पता ही है शाम होने के टाइम में क्या होता है, जितना भी मतलब गाय वगैरह या बकरी वगैरह होता है तो वो सब घर लाना पड़ता है ना, तो वही उसी के लिए जा रहा हूँ। तो अभी उस दिन आपको दिखाया था कि ये देखिए ये वाला खेत, उस दिन पूरा एकदम नहीं काटा हुआ था तो ये वाला खेत तो पूरा ख़त्म हो गया। तो अभी ये साइड का ये बचा हुआ है। भाई ठंड लग गया मुझे, ठंड में मेरा गला भी बैठ गया, खांसी आ रहा है बार बार। आप लोग को दिखा देते हैं आलू का पौधा कैसे निकलता है। ये देखिए ऐसा लाइन होता है आलू का, जो जो खेती करता है आलू का, तो इसमें देख लीजिए, ये देखिए ये जो पेड़ दिख रहा है ना, पौधा दिख रहा है आपको, यही वाला है। अभी तो बहुत छोटा छोटा है, जब बढ़ेगा तो उसमें भी दिखाएंगे। तो अभी जाना है इधर भी, देखिए आलू लगाया हुआ है। वही एक बार आपको नदी दिखाए थे ना, मतलब छोटा सा है हम लोग का, तो इसी के तरफ नदी के तरफ बांधा हुआ है। कहाँ गया वो रहा है, वो रहा। ये देखिए मुझे देख के कैसे निकल गया, ये रहा हम लोग का, देख लीजिए इसके यहाँ ना टींग से इसका मतलब ऐसे होता है ना, जो खुजली होने से जैसा होता है चुलकाता है, तो घर पे टींग है, टींग से वे खुजलाता था फिर उसका ये चमड़ी छिल गया है। ये देखिए अभी ठीक हो रहा है धीरे धीरे, बहुत मक्खी बैठ रहा है इसके ऊपर, है ना, है ना।
घर में और भी है, और भी कितना, और भी चार है। पता है ये अभी क्या किया? मुझे पीछे से धक्का मारा अपने सिर से। चलो इसको लेके चलते हैं, इधर से आगे जाएंगे तो बहुत जंगल है। ये रहा हम लोग का, नाराज है लगता है। उधर से जाएंगे तो जंगल है, शाम का वक्त है, सांप वगैरह निकल सकता है। तभी हम लोग जिधर से आए उधर से जाएंगे। हम लोग नहीं, हम लोग हाँ हो सकते हैं हम लोग। ये गाय है ना। तो मैं अभी आ गया, गाय को भी बांध दिया गुहाली में। तो अभी जो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, मेरे सामने एक ज़बरदस्त चीज़ है, ये देखिए। इसका नाम है काल्टू। ये काला है बोल के इसका काल्टू नाम नहीं रखे, ऐसे ही जब छोटा था तभी। और भी इसके साथ और भी तीन चार था इसके जैसा ही छोटा छोटा बकरी था, उसको भी क्या करने नाम दिए थे, काल्टू चुल्टू पिलपिली ऐसे नाम दिए थे। तो वो सब तो नहीं है, ये बस यही बच्चा है। इसको खांसी की है इसीलिए इतना बड़ा है। अभी तो इसके कितना 10 महीना हो रहा है इसका। ये देखिए ना कितना व्यस्त है घास खाने में। एक पूरा घास मिला है इसको, पूरा खाने में एकदम मज़े में खा रहा है। हेलो, ये जब भी आप खाना खाने बैठेंगे ना, मतलब हम लोग जब बैठते हैं खाना खाने, तो ये खाना खाने नहीं देता है, सीधा हम लोग के खाने में मुंह लगा देता है। ये देखिए और एक आ गया, ये प्यारा सा गाय का बछरू, ये भी खाएगा। बोल रहे तो अकेला अकेला खाएगा। कल्टू कितना मस्त दिख रहा है ना, कितना प्यारा दिख रहा है। अरे कहाँ भाग रहा है? ये भी कितना मस्त दिख रहा है, ये भी घास खाएगा अभी। और भी है इसके जैसा और, रखी ये देखिए। जो गया वो इसका वाला है बच्चा, और इसका वाला बच्चा यही है इसके माँ के पास। अभी जो लाए थे वो तो अंदर है, वो देखिए। दोस्त लोग मतलब थोड़ा फ्रेश होके दोस्त के साथ बाज़ार भी जाना पड़ेगा। फ्रेश मतलब फ्रेश हुआ ही हूँ, जैसे कि खेत से आया हूँ तो हाथ पैर धोना पड़ेगा, फिर ठंड का मौसम है, जैकेट भी लगा के चले जाएंगे। दोस्त आएगा बोला था तो मुझे लग रहा है दोस्त का लेट होगा, तो इसलिए अभी हम चलेंगे दोस्त के पास। ठीक है, तो बाद में आपसे मुलाकात होगा। बाय बाय। अभी तो पावर ग्रिड तो दिखाई दे। सही लगता था एकदम। ये पावर ग्रिड है, रात को देखिए कैसा लाइट। एटा पावर ग्रिड, रात्रि देखले मन है विशाल बड़ शहर। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि ये पावर प्लांट को देखने से आप लोग को लगेगा कि यहाँ ये बहुत बड़ा टाउन जैसा दिख रहा होगा, पर ये टाउन नहीं है, ये पावर ग्रिड है। रात को ऐसा दिखता है, वाओ लाइट ही लाइट चारों ओर। এখন পাওয়ার গেটটা ভালো দেখাচ্ছে। দেখো রাত্রিবেলায় মহিলা নিয়ে যাচ্ছে ঠান্ডার মধ্যে। বাস এটাই কত হইল? দোস্ত দোস্তকে সাথে মে মার্কেট গয়া থা তো ওয়াসে চলা আয়া, বাস কুছ নাই এসে ঘুমনে গয়া থা। তো আভি আকে ফির ঘর পে আয়া তো সোচ রহা ওর কিয়া করু, তো ইসলিয়ে আজ কে লিয়ে বাস ইতনা হি সোচ রহা হু। ইসলিয়ে আজ কা ব্লগ
यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आप अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देंगे, साथ में शेयर भी कर देंगे, और हाँ प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना है तुम्हारे भाई को। बाय बाय, गुड नाइट।